हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पर। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस खिचड़ी को मैंने दाल चावल को धो धा के नमक हल्दी सब मिला दिया, और बस दो सीटी तीन सीटी आने तक इसको हमने पका लिया है। उसके बाद इसमें हम तड़का भी लगा दिए हैं, और तड़के में सिंपली जीरा तेल डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, उसके बाद प्याज और मिर्च ये सारी डाल के, और जैसे ब्राउन हो गया मतलब कलर चेंज हो गया तो फिर मैंने तड़के में डाल दिया खिचड़ी में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए छानने वाला खोखचा है, और इसमें हम सब में ना धनौरी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रेडी हो गया है, और चोखा बनाई हूँ। खिचड़ी में ही आलू डाल दिया था आलू के भरते के लिए, तो खिचड़ी चोखा धनौरी आज का खाना है। और आज कहीं जाने की प्लानिंग है, आज बहुत जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, तो नहा धो के तो मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी मेरा बाल गीला ही है, तो इस तरह से मैं अपने बाल को कर रखी हूँ। और इधर मैं हस्बैंड का खाना दे देती हूँ, और अजय भी नहा लिया है, और यहाँ पे देखिए अजय तेल लगा रहा है अपने सर में। और इधर देखिए जो सामने तार का पेड़ था ना, उससे देखिए जो फल लगता है ना, इसको हम सब फेदा बोलते हैं, कोबा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेदा काट के कोबा काट के लेके जा रहा है, जो तार का फल होता है, इसको ना खाने में बहुत मज़ा आता है। इधर दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं आपको कोवा दिखा रही थी कि यही ताड़ का जो फल होते हैं ना, इसी को बोलते हैं, इसी का पानी जैसे निकलता है, और इसके अंदर ना एक फल निकलता है जिसको हम कोवा बोलते हैं, और कोवा के अंदर पानी पानी होता है। ये जो देखिए ताड़ का पेड़ है यही, और इसी का फल एक काटा गया है, और इसको ना जैसे हम नारियल छापते हैं ना, इसी तरह से इसको हम काट के इसका फल निकालते हैं, एक में चार तीन इस तरह से निकल जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा बाल हल्का हल्का मतलब सूख गया है, और हवा भी बहुत अच्छा चल रही है, और सच में अभी ना मौसम बहुत ज़्यादा ही सुहाना है, मस्त लग रहा है, न गर्मी है न ठंड है, बहुत मज़े वाला मौसम है। फिर यहाँ पे देखिए सब्ज़ी वाला आया था, तो सब्ज़ी में यहाँ पे आ गई हूँ ख़रीदने के लिए, लौकी, तो लौकी ले लेती हूँ। और सारे लौकी में ना कुछ दाग धब्बे हैं, और बस यहाँ पे लौकी की ख़रीदने के बाद, वैसे तो मैं मम्मी के यहाँ भी आज नहीं जाने का जाना था, मगर बस आज पूजा था घर में, तो आज मैं मायके जा रही हूँ। तो आप सब भी चलिए हमारे साथ हमारे मायके। तो यहाँ पे रिजर्व है, हवा हवाई जो होते हैं ना बिहार में, तो इसको हवा हवाई बोलते हैं, ऐसे थ्री व्हीलर है या ई रिक्शा बोलते हैं, ई रिक्शा कॉमन है, सब लोग जानते हैं ई रिक्शा को। तो बस हम यहाँ पे बैठ गए हैं, और हस्बैंड हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं बाइक से, और मैं आदित्य अजय हम तीनों बैठ गए हैं। और सिमरन गई है अपनी बुआ के यहाँ, तो पुआ बोल रहे थे यानी मेरी ननद बोल रही थी कि सिमरन को मेरे पास ही छोड़ दीजिए, तो इसलिए मैं सिमरन को अपने साथ नहीं लेके जा रही हूँ। बहुत ज़िद कर रहे थे कि आप हमारे पास नहीं छोड़ते हो, आप हमारे पास छोड़ दीजिए, तो फिर मैं सोची चलो भाई बच्ची है, और सिमरन भी मान रही थी कि हाँ हमें पुआ के साथ जाना है, तो इसलिए मैं इसको पुआ के साथ इसको भेज दिया अपनी ननद के साथ। तो बस यहाँ पे देखिए फाइनली हम अपने घर पहुँचने वाली हैं, और यहाँ ई रिक्शा से मैं जब आ रही थी ना, तो दो घंटा डेढ़ घंटा लगा था हमें, हाँ मतलब डेढ़ घंटे टाइम लग गए थे, डेढ़ घंटा टाइम लग गया था। तो बस देखिए फाइनली ये हमारा पुल है, इसको हम सब में पटवरिया पुल बोलते हैं, यानी पटवरी पे हर चीज़ का अलग अलग जगह के नाम होता है, तो इसको हम सब पटवरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये पटवरिया का पुल है, तो यहाँ पर देखिए अब हम सब पहुँचने वाले हैं गाँव, और ई रिक्शा अच्छी था ना, क्या बोलते हैं रिजर्व था, तो कहीं पे रोका नहीं था, डायरेक्ट पहुंचा दिया था। ये सब खाली रहता है ना, तो कहीं कहीं ना रुक रुक के आता जाता है, तो बस हम सब देखिए, और यहाँ से 15-20 मिनट के और रास्ता है, तो देखिए गांव में जान पहचान वाला ये रिक्शा वाला तो मिल गया था, और गाँव का ये मतलब गाँव का ही है, हमारे गाँव से गिर मत जाना, कोंदी है जो कि कोंदी से अभी मैं गुजर गई हूँ, तो कोंदी का ही आदमी है और ई रिक्शा जो चलाता है। तो यहाँ पे देखिए पापा और हमारा भतीजा है, मेरा भाई का बेटा, और इधर देखिए चाची का लड़का है, तो सब आ गया है, मतलब पहचान गया था कि बोल रहा था आरती दीदी, तो आरती हुआ, तो फिर रिक्शा रुकवा के पापा को बैठवा दिए कि बैठ जाओ, रिक्शा खाली है। तो बस ये सब बैठ के आ गए हैं हम सब, और बस अपनी गली में मैं जा रही हूँ, और पापा मेरे अजय और हम देख सकते हो, और जब मैं पहुँच रही हूँ ना, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा है।
तो अब हम अपने घर में एंट्री, अभी 2-3 मिनट और रास्ता है, अभी तो मैं अपनी गली में जा रही हूँ। और अजय देखिए हाथ में पूजे के लिए घी ले रखा है, क्योंकि आज घर में पूजा है ना, तो मैं थोड़ा सा लेट पहुँच रही हूँ। अभी टाइम 5:30 या 6:45 हो गए होंगे या 6 बज गया होगा। तो बस मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और देखिए मैं मम्मी मेरी सामने ही है, ये हमारी मम्मी है जो ब्लू साड़ी और लाल ब्लाउज पहन रखी है। तो चलिए गोड़ लग लेते हैं और उसके बाद देखिए मम्मी अंदर जा रही है। और आजकल ना बारिश लगातार होते जा रही है, तो बस हम एंट्री हो जाते हैं अपने घर में। और देखिए बारिश हो रही है ना, तो पूरा जमीन अभी कीचड़ से भरा हुआ है। तो इधर देखिए भाभी आई है और ये पूजा हो गई, आई है पूजा में। तो ये मौसी की लड़की है और यहाँ पे देखिए ये ममानी, मतलब बच्चे की ममानी लगी मेरी भाभी जो है, मजाक कर रही है। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल ब्लॉग पे। फाइनली हम अपना घर पहुंच गए हैं, सच में पहुंच के बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए दिन में धाजा पूजा था, मतलब धाजा जी गड़ाते हैं ना, तो ऐसे तो रामनवमी के दिन गड़ाते हैं, मगर आज गड़ाए हैं, घर में शादी था। तो अभी मैं छत पे आई हूँ और देखिए मेरी कंजली चाची अभी खाना बना रही है। और इनका ये कुछ मंझला बेटा, कुछ चलिए ये संझला बेटा है और ये छोटका, अच्छा कंजला है, अच्छा छोटका कहाँ गले फिर। और इधर देखिए मंझला है, खाना खा रहा है। और इधर देख लीजिए, इधर देखिए सब देख रहे हैं, सब हमारी बहन लगती है। सब हेलो कर, हेलो कर, ये सबको बहुत ज्यादा ही शर्म आ रहा है। कौन हेलो कर रहा है लेकर? तो चलिए हम अपने कंजली चाची से मिलाते हैं कि वो क्या कर रही है। नहीं कोई नहीं, इधर अभी लाइट कटा हुआ है ना तो अंधेरा है। और इधर देखिए चाची जी खाना बना रही है, तो लाइट आएगा ना तो अच्छे से मिलवाएंगे। अभी बिजी हैं, अभी खाना उना बना रहे हैं ना, तो इसलिए। और आज सत्यनारायण स्वामी का पूजा है, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा में, थोड़ा सा बाल वाल थोड़ा सही कर लेती हूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। और इधर देखिए एक बकरी भी है, देखिए देख सकते हो, मारने में बहुत तेज है, बच्चे को मारता, वैसे तो किसी को नहीं मारता, जो परेशान करता है ना उसी को मारती है। बकरी है, बकरा है, बकरी है। तो यहाँ पे देखिए भाभी छत पर से देख रही थी, वो पड़ोस वाली भाभी है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो बोल रहे थे यहाँ जी अरतिया, तो फिर हम इनको बोले अच्छा रुक जाइए अभी दिखाते हैं, हमें खुद नहीं दिख रहे हो, तो मैं इनसे बोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपका मुंडी दिख रहा है। तो यहाँ पे बस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये देखिए भाभी है, तो समानी वाली बोलते हैं, तो समानी वाली भाभी है, तो बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो जी, तो हम बोल रहे हैं कि आपको नहीं आना है तो मत आइए, तो बोल रहे हैं कि बाबू के लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अजय आपको हेलो कर रहा है। और यहाँ पे अभी सब अभी सो के ही उठे हैं, अभी मॉर्निंग का 4:45 हो रहा है। और गाँव में ना सब लोग बहुत जल्दी ही जाग जाते हैं, जिसके आपको सबको पता है। और अगर बारिश नहीं होती है ना तो 5:45 तक धूप भी निकल जाती है। ये हमारे फूफा जी हैं, छोटका फूफा है। और यहाँ पे देखिए मम्मी चौका लगा रही है, और आज पूजा उजा है ना तो इस वजह से। और इधर देखिए भाभी हैं, और ये हमारे पापा हैं जो गमछी ले रखे हैं, तो आप सब भी चाय पी लीजिए, देख सकते हो। और सुबह सुबह चाय पीने में मज़ा आ जाता है। तो अभी तो मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, सब लोग अभी सोए हुए हैं, कुछ लोग जागे हुए हैं, मगर बच्चे सब लोग जब हम आए ना तो सब एक्साइटमेंट में है, सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और इधर देखिए हमारे कंजला चाचा का बेटा है ये, और यहाँ पे देखिए हमारे जो बाबू है, इसका भी क्या नाम है अभी मुझे नहीं पता है,
तो यहाँ पे देखिए सब इसको ना प्यार से लाडली या कुछ भी सोना मोना कुछ भी बोल देते हैं, तो बहुत तेज है, अपने से चाय पी लेती है। देखिए गिलास उठा के, और इसको जब हम वीडियो कर रहे हैं ना तो देखिए इस तरह से गिलास के नीचे से ही देख रही है गुज गुज करके, मतलब अपने तली तली आँखों से देख रही है निचली आँखों से। और देखिए मैं इसको अपने हाथ लगा के इसको मैं पिला रही हूँ, इसको डर लग रहा है कि कहीं चाय गर्म रहेगा तो कहीं हमारा मुँह ना जल जाए। तो देखिए चाय, और इधर इसका भाई कुछ बोल रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा ही तेज होते हैं, सच में मज़ा आ जाता है देख के, और बहुत प्यारी है सच में। दिन में ना लगता कितना बार इसको मैं प्यार कर चुकी हूँ। तो देखिए कैसे कर रही है, और अपने से खाना खा लेती है, अपने से दूध पी लेती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।